रोडवेज बस स्टेशन पर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार ने रोडवेज बस स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि रोडवेज क्षेत्र की समस्या रोड के दोनों तरफ बस ठेला लग जाने के कारण यह एरिया जाम हो जाता है और कई सालों से यह समस्या दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि राप्ती नगर में रोडवेज का वर्कशॉप बन रहा है, लेकिन कई सालों से सुनने में आ रहा है कि एक महीने में बन जाएगा, लेकिन अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। राप्ती नगर का वर्कशॉप बन जाने से रोडवेज पर जाम की समस्या काफी कम हो जाएगी। इसके लिए रोडवेज कमिश्नर से बात करके जल्दी निवारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जब तक राप्ती नगर का वर्कशॉप नहीं बन जाता, तब तक रोडवेज स्टेशन पर खाली वर्कशॉप में बसें खड़ी रहेंगी तथा सिंगल लेन पर बसों को निर्धारित रूप से खड़ा किया जाएगा और प्राइवेट बसों को नगर निगम द्वारा दिए गए जगह पर खड़ा कराया जाएगा, जिससे जाम की समस्या ना होने पाए। निरीक्षण के दौरान एसपीसीटी सोनम कुमार, एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह, सीओ कैंट श्याम देवबिंद सहित पुलिस के जवान उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, अगले महीने जब ये वर्कशॉप बन जा रहा है हमारा वाला, जो जमीन बाकी रह गया है, प्रपोजल पूरा बस अड्डे का ही है, पूरा पुराना जो पहले से बस अड्डा है वो प्लस ये वर्कशॉप दोनों। सुनो ना, वर्कशॉप और बस अड्डा ये सब बनता रहेगा आपका। जी जी, हमारा तो ये वो बनने में लगे 2 साल। जी, ये जो बिल्डिंग है बेकार हो गई है, इनका कंडम करा के इनको तोड़वाने का परमिशन भी टाइम लगेगा आपको। वो तो प्रोसेस करो कि साहब आप बनो, पहला फेज है कि साहब ये कंडम हो, PWD सर्टिफिकेट दे देते कि हाँ सर इसको तोड़ा जाए, वो करा के पता नहीं, खाली एरिया तो खाली होगा आपका। जी जी, ये
रबल्स ना सर, कुछ मिट्टी शिट्टी सर वो रहेगा, अपने अपने हिसाब से आप बोल रहे हैं भर देगा ठीक है, इनका ये थोड़ा सा इनका मदद हो जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि अपोजिट लाइन में घुस जाते हैं ना सामने लगा दिशा देश नहीं, ये समस्या का क्षेत्र है, दोनों साइड बसेज लग जाती हैं, ठेले लगा लेते हैं, पूरा ऑलमोस्ट चौक हो जाता है ये एरिया। और ये आज नहीं, कई सालों से समस्या है। इसके कई कारण हैं, सर्वप्रथम है कि जो कैपेसिटी है वो फुल तरह से यूज़ नहीं हो पा रही है। एक अच्छी बात है कि राप्ती नगर में वर्कशॉप बन रहा है, लेकिन वो कई सालों पिछले साल भी मैं सुन रहा था कि एक महीने बन जाएगा, आज भी ये कह रहे हैं एक महीने बन जाएगा। तो वो हम लोग कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि जो भी एजेंसी है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और एक समयबद्ध रूप से वो बन जाए। वो बन जाने से काफ़ी बसेज वहाँ चली जाएगी और रोडवेज की समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तब तक वो जब तक नहीं हो रहा है, बात हुई है, एक छोटा सा वर्कशॉप खाली हो गया तो कुछ बसेज अंदर जाएंगी और यहाँ सिंगल लेन में व्यवस्थित रूप से खड़ा करेंगे। तो इसका प्रयास करेंगे, रोडवेज के सहयोग चाहिए होगा नेचुरली। और एक जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उसके लिए एक पार्किंग नगर निगम ने बनाई है चौराहे पर, वहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, उनको वहाँ ले जाएंगे और इसको फिर कोशिश करेंगे इन्फोर्स करने का। तो मेरे लगता है कि अगर ये करा जाए तो इस एरिया का समाधान निकलेगा कुछ। तो वही प्रयास है, कोशिश कर रहे हैं घूम के और इन चीज़ों इनिशिएटिव्स लेकर इस ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाया जाए।